सो गाइस आज मैंने स्काई को गर्मियों के कपड़े बनाए हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि कुल्लू में भी गर्मी हो गई है और ये स्काई का नेबुलाइजर, तो अब हम स्काई को करेंगे नेबुलाइज। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इतने टाइम से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ स्काई, क्योंकि स्काई की तबीयत ठीक नहीं है। जैसा आपको पता है इतने टाइम से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है बिकॉज स्काई की तबीयत ठीक नहीं है, तो स्काई को नेबुलाइज करने के लिए बोला और आई थिंक 2 हफ्ते हो गए, इसका कंजेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। और आज मैंने स्काई को बनाए हैं गर्मियों के कपड़े, क्योंकि यहाँ पे गर्मी हो गई है और आप देख ही सकते हैं हमारा फैन हो चुका है स्टार्ट, और अभी हम करते हैं स्काई को नेबुलाइज। स्काई अब अपनी मेडिसिन ले लो प्लीज। तो ये रेस्क्यूल करके हैं और ये स्काई को देते हैं हम लोग लेबलिंग करके, तो बस अब हम देंगे। वैसे पहले 15-15 मिनट के लिए बोला था डॉक्टर ने फर्स्ट दिन, उसके बाद 2 आवर्स के लिए, फिर 4 आवर्स के लिए। तो आज फिर मैं स्काई को दिखाने के लिए गई तो उन्होंने बोला कि 4 आवर्स के लिए ही आपको दोबारा से स्काई को नेबुलाइज करना पड़ेगा, तो बस मैं वही कर रही हूँ अभी। और ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है ना स्काई को नेबुलाइज करना, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बच्चे को ऐसा होता है कि नेबुलाइजर लगाती है ना इसको तो बस एकदम से इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो होती है यार, छोटा बच्चा ही तो है ये भी। और आप देख सकते हैं इसका कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, और आप बिलीव नहीं करोगे कुछ भी नहीं खा रही है ये, कुछ नहीं खाती है ये पूरा दिन, शी इज़ नॉट ईट नथिंग ऑल डे। हाँ जी स्काई यू क्या हुआ आपको? और अभी हम डॉक्टर के यहाँ से आए हैं और स्काई को कफ हो गया, और जब ये सुबह उठती है ना लिटरली इसको इतनी ज़्यादा कफ हो जाती है ना, इतनी ज़्यादा कि जैसे हम लोग स्टार्टिंग से इसके अंदर हैबिट डाल लिया हमने, सुबह हम इसको गर्म पानी देते हैं, बट इतनी ज़्यादा हो जाती है ना इसको कफ कि मैं तो डरी जाती हूँ कि यार इसको हो क्या रहा है, बच्ची ठीक नहीं होने वाली है, इतना ज़्यादा इसको कंजेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं फेस भी कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है स्काई का, कितना पतली हो गया स्काई, देख सकते हैं आप। एक तो उसको टीथ भी आ रही थी साइड में, टूथ होते हैं जो। स्काई यू स्काई व्हाट आर यू ईटिंग स्ट्रॉबेरी? सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज लगी हैं, वाव लुक एट दिस स्ट्रॉबेरीज, ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है शाम का क्लाइमेट, और अभी हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं और स्काई इज़ फाइन। वैसे डॉक्टर बोल रहा था एडमिट करने को, बट थैंक गॉड मैंने अच्छे से नेबुलाइज किया और स्काई अब ठीक है। और स्काई क्या कर रही है आप देख ही सकते हैं इसको। और मैं बता दूँ आपको, कुल्लू के अंदर हो चुकी है गर्मी और काफ़ी गर्म, इतना गर्म तो नहीं, मतलब फ़ैन वगैरह स्टार्ट हो गए हैं और थैंक गॉड हमारे गर्मी के कपड़े फाइनली निकल गए हैं। तो मैंने आज स्काई को भी ऐसे कुछ पतले से कपड़े बनाए हैं और मैं खड़ी हूँ यहाँ पर ऊपर की साइड, और काफ़ी अच्छा क्लाइमेट हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, जैसे तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्लीजेंट सा वेदर है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, और स्काई को देख सकते हैं क्या कर रही है, स्ट्रॉबेरी। तो शाम को कुछ इस तरह से क्लाइमेट हो रहा है आजकल, और काफ़ी अच्छा सा क्लाइमेट हो रहा है यार, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, प्लीजेंट सा वेदर है, और ज़रूरी है यार गर्मी भी बहुत ज़रूरी है, बट इतनी ज़्यादा गर्मी तो है नहीं वैसे कुल्लू के अंदर कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, अच्छा सा वेदर है। कल शाम मैं हॉस्पिटल गई थी स्काई को लेके, क्योंकि स्काई का बोला था डॉक्टर ने कि एक बार आप आगे चेक करा देना, अपडेट दे देना, तो उन्होंने बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, और लिटरली मेरी इतनी बुरी हालत थी मैं तो उधर ही रोने लगी, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा पेशेंट, डोंट प्लग इट, डोंट प्लग दिस, नो नो स्काई, नो 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 नो। बट यार स्काई सच में कमज़ोर हो गई है पहले से ना, क्योंकि यार ये खा ही नहीं रही है प्रॉपर तरीके से ना, और यहाँ पे योगांश देख रहा है टीवी, ये व्हाट हैपेंड
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रात का सीन है और रात को यहाँ पे यात्रा निकल रही थी, बाबा बालकनाथ जी के मंदिर जा रहे थे ये लोग। और तो बस हम लोग ने भी नीचे जाके दर्शन कर लिए। मैंने सोचा पता नहीं क्या है, मतलब क्या हो रहा है ये, सडन हम लोग अंदर से बाहर आए। और फिर मैं नीचे अच्छे से दर्शन करने के लिए गई और काफ़ी बड़ा भंडारा भी था नेक्स्ट डे। तो बस यही था मेरा, ये पुराना व्लॉग है मेरा, मतलब पिछले वीक का है। वैसे अभी मैंने आज ही व्लॉग डाला है नया। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगता है मेरे व्लॉग, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये थोड़ा पुराना सा व्लॉग है मेरा, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, पिछले वीक का ही है। और इस वाले वीक का मैंने आज रेंडर कर ही लिया था, वो आ ही गया होगा। और प्लीज़ हिट द लाइक बटन और कर लीजिए दर्शन, बाबा बालकनाथ जी की यात्रा निकल जाएगी।